स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आइंदा माह मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। बढ़ती हुई महंगाई और मईशत की कमजोर हालत के बाद शरह सूद में कमी का इम्कान नहीं है। हुकूमत की जानिब से ज्यादातर कर्जे खुद इस्तेमाल करने से निजी शोबा कारोबार के लिए बैंकों से कर्जे लेने से महरूम है। कराची से ताहा सिद्दीकी की रिपोर्ट। स्टेट बैंक की जानिब से आइंदा माह मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जा रहा है। न सिर्फ मुआशी तजियाकार बल्कि मुल्क के बड़े बैंककार भी यही खदशा जाहिर कर रहे हैं कि शरह सूद में कमी का इम्कान नहीं, जिसकी वजह बढ़ती हुई महंगाई और कमजोर मईशत बताई जा रही है। हमारा जो व्यू है, एंड आई थिंक दिस इज अगेन आवर व्यू, जो 250 बेसिस पॉइंट्स और सो जो कट हुआ था लास्ट ईयर, उसके बाद में आई थिंक इफ एनीथिंग वी गोइंग टू स्टे जहां पर हैं अभी रेट्स or even edge upwards instead of any more cuts. This is something to be seen. अब ये जो है कितना फ्यूल करता है इकॉनमी को, किस तरह से फ्यूल करता है इकॉनमी को, किस तरह से लेंडिंग वर्सेस बोरिंग, ये चीजें जो है मतलब इट्स टू बी सीन। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बिजली की इजाफी कीमतों ने महंगाई का तूफान मईशत पर हावी कर दिया। निजी शोबे को कारोबार के लिए बैंकों से कर्ज नहीं मिल रहे क्योंकि मुआशी बोझ तले काम करने वाली हुकूमत ज्यादातर कर्जे खुद इस्तेमाल कर लेती है, जबकि मुल्की 18 करोड़ अवाम में से सिर्फ 1.5 से 2 करोड़ अफराद मुल्की और गैर मुल्की